बड़वानी जिले के राजपुर में गांजा, व्हाइट पाउडर, ब्राउन शुगर के नशे का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी रोकथाम हेतु राजपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ने एसडीएम जितेंद्र पटेल व एसडीओपी रोहित सिंह अलावा को ज्ञापन सौंपकर नगर में बढ़ते हुए नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में बताया है कि राजपुर नगर में गांजा, व्हाइट पाउडर, ब्राउन शुगर की गिरफ्त में नई युवा पीढ़ी फंस रही है, जिसमें शासकीय खंडर भवन एवं रात्रि में अलग अलग स्थान पर किशोर एवं युवा भारी मात्रा में नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। वहीं देर रात्रि में बंद कार्यालय के बाहर मादक पदार्थ के सेवन के अड्डे बनते जा रहे हैं, जहां पर मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयां भी विक्रय की जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में राजपुर नगर के सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। राजपुर नगर में बहुत बड़े पैमाने पर अफीम, चरस, गांजा, सफेद पाउडर बिक रहा है और युवा पीढ़ी इस नशे की गिरफ्त में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। इसे रोकने के लिए आज सर्व समाज, सर्व दल के लोग, सभी पत्रकार बंधु, नगर के गांडवन नागरिक और हर तरह के विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर इस नशा जो खोरी हो रही है, जो नशा के अवैध कारोबार से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, इसको रोकने के लिए हमने एक ज्ञापन सम्मान्य अनुभाग अधिकारी महोदय को दिया है। नहीं होगा तो क्या करेंगे आगे? हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। हम सम्मान्य कलेक्टर महोदय को और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, सांसद, दोनों सांसदों को, विधायक जी को भी इससे अवगत कराएंगे और इस लड़ाई को हम हर तरह से, हर मोर्चे पर लड़ेंगे और नशा मुक्त राजपुर को कराने का हमारा प्रयास। आज नगर के जो गणमान्य नागरिक हैं और कुछ जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि कुछ जगह पर नशीली दवाओं का सेवन कर लोग असामाजिक गतिविधियां कर रहे हैं। उसके संबंध में हम एसडीओपी साहब हमारे साथ में ही हैं, वो भी ज्ञापन में थे, उनसे चर्चा हुई है और जहां पर भी लोगों द्वारा बताया गया वहां पर लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग कराई जाएगी और जो भी ऐसी गतिविधियाँ हैं उनको बंद कराया जाएगा। सर, मिलते हैं तो क्या उचित कार्रवाई करेंगे? पुलिस जो भी इलीगल कार्रवाई अगर करते पाए जाते हैं, वो कुछ ऐसा चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसमें अपना नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।